हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कैसे आप एनिमेटेड कार्टून्स बनाकर पैसे कमा सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा मज़ेद वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है कुछ स्टेप जो हमें आज की इस वीडियो में फॉलो करने हैं। ये देखें, तो स्टेप नंबर वन ओवरव्यू। तो स्टेप नंबर वन पर हम चले जाते हैं। यहाँ पर मैं आपको कुछ ओवरव्यू देती हूँ कैसी आप लाइक ये जो चैनल हैं जो लाइक एनिमेटेड वीडियोस बनाते हैं और बहुत पैसे कमा रहे हैं। ये देखें, ये कुछ चैनल्स हैं जो जिन्होंने एनिमेटेड वीडियोस बनाई हुई हैं। ये देखें, ये भी एक चैनल है जो लाइक 1 मिलियन लाइक 9 डेज में और 7 लाख व्यूज तो आ ही जाते हैं इनके। ये देखें, और भी बहुत सारे चैनल्स हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये इन्हें कुछ ये वाली, उसके बाद इसकी पॉपुलर्स देखें, बस 16 मिलियन तक गई हुई हैं। देखें, इसके बाद ये देखने के बाद मैं आपको ये भी बताती हूँ। ये देखें, उसके बाद हम कुछ लाइक मैं आपको सर्च बता करके बताती हूँ। एनिमेटेड स्टोरीज, ये तो यही आ गई। तो स्टोरी टाइम में रुकती हूँ, ये लाइक मैं देख देती हूँ किड्स स्टोरीज, तो आपको बताती हूँ। ये देखें, ये बहुत चलती हैं आजकल, तो ऐसे ही आपको बताती हूँ कैसे आप भी बना सकते हैं। तो ये देखें, उसके बाद ये देखें, तो उसके बाद हम चले जाते हैं स्टेप नंबर टू पर, जनरेट स्क्रिप्ट। तो स्टेप नंबर टू पर हम स्क्रिप्ट जनरेट कर लेते हैं। हम चैट जीपीटी पर आ जाते हैं और यहाँ पर लिखते हैं राइट किड्स अ स्टोरी फेरी टेल किड्स स्टोरी। तो आप अगर उर्दू में चाहें, हिंदी में चाहें, आप जिस लैंग्वेज में चाहें लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने इंग्लिश में लिखा है, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ राइट किड्स अट्रैक्टिव स्टोरी। तो ये भी मुझे लाइक कुछ खास नहीं लगी, बिकॉज मुझे इमोशनल स्टोरी चाहिए और ये इतनी सही नहीं है। तो मैं इसके बाद लिख लेती हूँ लाइक ये पूरी स्टोरी पढ़ने के बाद मुझे लाइक कुछ खास नहीं लगी दोनों। तो फिर इसके बाद फिर से लिख देती हूँ राइट रियल नहीं राइट अट्रैक्टिव स्टोरी। तो ये लिख देती हूँ मैं। ये देखें, ये कुछ लाइक ये भी मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी है। मैंने ये कुछ लाइक पढ़ा तो मुझे ये अच्छी नहीं लगी, तो मैं लिखेंगे राइट इमोशनल स्टोरी। तो मैं इमोशनल स्टोरी लिख देती हूँ और ये मुझे लाइक ये देखें, ये मुझे थोड़ी अट्रैक्टिव लगी है और अच्छी स्टोरी लगी है। ये देखें, ये कितनी सही स्टोरी है। तो ये हम चूज कर लेते हैं। इसके बाद हमें इमेजेस जनरेट करनी है। इसके लिए हम यहाँ लिख देते हैं राइट द प्रॉम्प्ट्स टू जनरेट फॉर जनरेटिंग इमेजेस जनरेटेड इमेजेस फॉर एवरी लाइन लिख देती हूँ। तो मैंने ये एंटर कर दिया पर ये सॉरी बोल रहे हैं, इसे समझ नहीं आया है, तो मैं फिर से इसे कॉपी कर लूँगी। कॉपी कर लेती हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर देती हूँ। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ वाइट इमेजेस फॉर अबव स्टोरी। तो मैंने ये लिखा, ये देखें, ये आ गया है इमेजेस के प्रॉम्प्ट्स। तो ये कुछ मुझे लाइक सही, मैंने कॉपी करके अपने नोटपैड में पेस्ट कर देती हूँ। उसके बाद इसे पेस्ट करने के बाद हम चले जाते हैं स्टेप नंबर थ्री पर, जनरेट इमेजेस। तो स्टेप नंबर थ्री पर हम आ जाते हैं लियोनार्डो डॉट ए आई पर, यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। मैं यहाँ पर क्लिक कर देते हैं क्रिएट अकाउंट, येस आई एम वाइट लिस्टेड। उसके बाद ए आई इमेज जनरेशन पर चले जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद हम ए आई इमेज जनरेशन पर क्लिक कर देते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर हमारे नोटपैड में जो पेस्ट है हम इसे कॉपी कर देंगे, कट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और इन कार्टून स्टाइल लिख देते हैं। तो जनरेट कर लेंगे, पर ये बहुत बड़ा साइज़ है, तो वीडियो के साइज़ का लाइक कर देंगे हम, साइज इसका चेंज कर देंगे यहाँ पर सेटिंग से। ये वाला सही है,
कलेक्शन ये वाला सही है, तो उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं, ये लाइक बहुत बड़ा साइज है तो मैं इसे रीजनरेट कर लेती हूँ। तो मुझे थोड़ा टाइम लेगा जनरेट होने में, ये देखिए बस हो गया ये रहा। तो इसे मैं कॉपी कर लेती हूँ, इसे कॉपी करने के बाद इसे सेव कर लेती हूँ। और इसे मैंने कॉपी कर लेना है, कट कर दिया और इसे पेस्ट कर दिया मैंने। और इसे पेस्ट करने के बाद इन कार्टून स्टाइल लिखती हूँ, तो जनरेट पर क्लिक कर देना है मैंने। तो ये देखें ये जनरेट हो रहे हैं, तो ये कुछ टाइम लेते हैं जनरेट होने में। ये देखें ये लाइक मुझे ये अच्छी नहीं लगी बिकॉज इसमें लाइक सही से दिखाया नहीं गया है, ये हाथ आगे आ गया है, तो इसे रीजनरेट कर लूँगी। ये देखें तो इसे रीजनरेट किया, तो ये देखें ये मुझे सही लग रहा है, तो इसे मैं सेव कर लूँगी। ओके तो इसके बाद मैंने ये थर्ड वाला कॉपी कर लेना है और इसे वहाँ पर पेस्ट कर देना है। और इस लाइक इस प्रोसेस को मैं लाइक फास्ट फॉरवर्ड कर दूँगी बिकॉज अब मैं नहीं चाहती आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट हो इन चीज़ों पर। लाइक ये देखें मैंने इसे फास्ट फॉरवर्ड कर देना है, इसे मैं सेव कर देती हूँ, इसे कॉपी करके पेस्ट कर देती हूँ, इसे जनरेट पर क्लिक करके सेव कर देती हूँ, इसे भी पेस्ट करके इसे सेव कर देती हूँ, लाइक जस्ट डाउनलोड कर देती हूँ। इसके बाद लेक्सिका पर आ जाना है आपको, अगर आपको कुछ इमेजेस यहाँ पर अच्छी लगते हैं आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मैं ये सिलेक्ट करती हूँ। लेक्सिका पर आ जाएंगे आप लोग, ये देखें यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी इमेजेस हैं, ये देखिए। इसके बाद हम आ जाते हैं DID पर, DID जो आपकी इमेज को एनिमेट करता है। तो हम इस पर फर्स्ट पैराग्राफ को कॉपी करेंगे स्टोरी के और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर पेस्ट करने के बाद यहाँ पर हमने इमेज की लाइक इमेज भी ऐड कर देनी है, ये इमेज। तो इसके बाद जनरेटर वीडियो पर क्लिक कर देना है, जनरेट पर क्लिक करना है और आपकी लाइक वीडियो जनरेट हो जाएगी, ये देखें। उसके बाद इस पर क्लिक कर देना है, इसे डाउनलोड पर क्लिक कर देना है ये सुनने के बाद। तो ये देखें मैंने डाउनलोड पर क्लिक कर दिया है। उसके बाद हम चले जाते हैं, यहाँ पर हम सेपरेट वॉइस ओवर भी डाउनलोड कर लेंगे। जस्ट मैं आपको बताना चाहती हूँ क्योंकि उसका तो लिटरली अच्छा नहीं होता है वॉइस ओवर, तो मैं ये वाले लगा लेती हूँ फ़िलहाल के लिए। तो अगर आप चाहें तो आप लाइक अच्छा सा भी ढूंढ कर लगा सकते हैं। तो मैंने इसे एक्सपोर्ट कर देना, जैसे ये रेडी हो जाए एक्सपोर्ट पर क्लिक कर दिया मैंने। उसके बाद हम चलते हैं स्टेप नंबर 4 पर, एडिट एंड प्रीव्यू। तो एडिट में मैंने क्या करना है, इस वीडियो की आवाज़ को लाइक कम कर देना है और लोगों को छुपा देना है लोगों को। उसके बाद वो वॉइस ऐड करके उसे थोड़ा लाइक हाई वॉल्यूम पर करना है। उसके बाद उसे एडिट करके एक्सपोर्ट कर देना है। In a small coastal village, a gentle old man named Samuel lived alone in a modest cottage overlooking the sea. He was known for his kind heart and the stories he told to anyone who would listen. Among the villagers, there was a young girl named Lily who had grown particularly fond of Samuel's tales. आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा मज़ीद वीडियोस देखने के लिए।